तो सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरी राम राम नमस्कार। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ 2022 आप लोगों के जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नए रंग लेकर आए हैं। वापस से वही एपिसोड जिनकी आपकी पुरजोर फरमाइश थी। तो हम हरियाणवी डिक्शनरी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक नए सीरीज से। अब से इसका नाम होगा हरियाणवी टॉक्स विद सपना चौधरी। तो आज का हमारा सबसे पहला शब्द है खुद्दा। ये एक तरीके की हरियाणा की मिठाई है। जैसे आगरा का पेठा फेमस है, मथुरा का पेड़ा फेमस है, ऐसे ही किसी वक्त में हमारे बड़े बूढ़ों को खुद्दा बहुत पसंद था। इसको बनाना भी बहुत टेक्निकल काम था। ये जब बनाया जाता था जब कोल्हू चलता था और जब गन्ने का जो रस हुआ करता था वो पकाया जाता था, तो जब वो गुड़ बनने वाला हुआ करता था उससे 2 मिनट पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे उस कच्ची पक्की चाशनी को निकाल के एक हांडी में रख लिया करते थे। उस हांडी को ले जाके 5 से 6 दिन के लिए टांड पे रख दिया करते थे। अगेन टांड भी एक हरियाणवी शब्द है और टांड के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। तो उसको 5 से 6 दिन बाद टांड से उतार कर उसके ऊपर एक सफेद परत आ जाया करती थी। उस सफेद परत को रोटी के साथ अकेले भी खाया जाता था। बहुत मीठा और बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी हुआ करता था और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक मिठाई हुआ करती थी, जिसे हम कहा करते थे खुद्दा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपने कभी खुद्दा खाया है या आपने कभी अपने दादा से, अपने ताऊ से खुद्दा के बारे में सुना है। और अगर आपके आसपास, आपके गांव में कोल्हू है तो एक बार खुद्दा बना के ट्राई जरूर कीजिएगा। राम राम, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो जब वो गुड़ बनने वाला होता था उसी से 2 मिनट पहले जो कच्ची पक्की हमारी चाशनी हुआ करती थी उसको निकाल के जो हमारे बड़े बूढ़े हुआ करते थे वो एक मटके में उसको रख लिया करते थे, हांडी में, और उसको ले जाके टांड के ऊपर रख दिया करते थे 5 से 6 दिन के लिए। अगेन टांड भी एक हरियाणवी शब्द है। इसके लिए इसका जो प्रोसीजर है वो तेरी खातर मैं दुनिया में बदनाम। चलो ठीक ही हुआ, जो होता अच्छे के लिए होता है।